हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी बच्चों आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर हंड्रेड पर एक कविता दी है वो पढ़ेंगे तो पेज नंबर हंड्रेड निकालिए निकाला बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है गिनती गिनती यानी कि गिनना तो यहाँ हमें एक से दस तक की गिनती दी हुई है आप इंग्लिश में नंबर सीखते हैं ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे आप बोलते हैं कोई भी चीज गिननी हो तो आप ऐसे गिनते हैं ना लेकिन अब हमें हिंदी में किसी चीज या वस्तु को गिनना हो तो हम किस प्रकार से बोलेंगे एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ और दस यह हमें दस तक की गिनती दी हुई है तो पहले हम ये कविता समझेंगे उसके बाद में आपको ये गिनती अंक में और शब्द में किस प्रकार से लिखते हैं वो बताऊंगी तो ध्यान से देखिए एक दो तीन चार आज शनि है कल इतवार पांच छ सात आठ याद करूंगा सारा पाठ इसके आगे नौ और दस हो गई गिनती पूरी बस तो यहाँ एक से लेकर कहाँ तक की गिनती आई बच्चों दस तक तो एक बार कविता में समझाऊंगी एक दो तीन चार आज शनि है कल इतवार यानी आज कौन सा वार है शनिवार और शनि की शनिवार के बाद कौन सा वार आता है हम रविवार कहते हैं ना उसे इतवार भी कहते हैं तो आज शनिवार है और कल इतवार पांच छ सात आठ याद करूंगा सारा पाठ यानी मैं सभी पाठ याद करूंगा इसके आगे नौ और दस हो गई गिनती पूरी बस तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया ना अब हम गिनती के अंक में और शब्द में किस प्रकार से लिखते हैं वो देखेंगे देखिए मैंने यहाँ गिनती पहले ये अंक में लिखी हुई है और उसके पास देखिए आप मैंने शब्द में गिनती लिखी है तो ये हिंदी में हमें एक लिखना हो तो ऐसे लिख अंक में लिखते हैं और शब्द में ऐसे एक ये क्या है दो दो कैसे लिखते हैं इस प्रकार से और शब्द में इस प्रकार से दो ये तीन चार पांच सात आठ नौ और दस आपको अभी ये शब्द में जो मैंने गिनती लिखी है वो अभी लिखना और पढ़ना आपको नहीं आएगा क्योंकि हमने मात्रा वाले शब्द आपको पढ़ाए नहीं हैं जब ये में हमने हम आपको सभी मात्राएं सिखा देंगे तब आपको ये पढ़ना आ जाएगा तो आपको ये अभी समझने के लिए मैंने आपको दिखाया है अब हम गिनती गिनकर कैसे लिख सकते हैं वो सीखेंगे तो यहाँ देखिए पहले कितना स्टार है एक तो हमें सामने उस लिखा है अंक में और शब्द में एक फिर यहाँ कितने हैं दो तो हमने यहाँ सामने लिखा है दो फिर ये कितने हैं एक दो तीन तो यहाँ लिखे हैं मैंने तीन स्टार ऐसे ये तीन अंक में भी लिखा है और शब्द में भी लिखा है उसके बाद एक दो तीन चार तो यहाँ मैंने अंक में लिखा है और शब्द में भी लिखा है चार फिर एक दो तीन चार पांच तो पांच अंक में कैसे लिखते हैं इस ऐसे करके ऐसे और ये शब्द में लिखा है फिर एक दो तीन चार पाँच छ तो ये लिखा छ दो तीन चार पाँच छ सात तो हमने यहाँ सात लिखा फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो यहाँ हमने आठ लिखा उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो हमने यहाँ नौ लिखा फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो हमने यहाँ दस लिखा अब हम यहाँ देखिए यहाँ जोड़ना है तो यहाँ मैंने अलग अलग स्टार यहाँ ड्रॉ किए है ना और उसके सामने गिनती भी लिखी है लेकिन उलट सुलट है तो हमें पहले यहाँ गिनना है और उसके सामने जो आता हो उसके साथ मैच करना है क्या करना है मैच करना है तो यहाँ देखिए कितने स्टार है एक दो तीन तो यहाँ तीन कहा लिखा हुआ है आपको देखना है कहा लिखा हुआ है हिंदी में यहां पर है तो आपको इसके साथ मैच करना है उसके बाद ये देखिए कितने स्टार है गिनिए पहले एक दो तीन चार पच तो यहाँ पाँच कहाँ लिखा हुआ है ये रहा तो आपको उसके साथ जोड़ना है उसके बाद ये स्टार गिनिए फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात तो यहाँ सात कहाँ लिखा हुआ है ए रहा देखिए यहाँ पर है ना तो आपको उसके साथ मैच करना है यानी कि जोड़ना है उसके बाद ये वाला देखिए कितने स्टार हैं एक दो तीन और चार तो चार कहाँ लिखा हुआ है यहां पर है ना तो आपको उसके साथ जोड़ना है अब ये आखिर वाला गृणिये कितने स्टार हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ नौ कहाँ लिखा हुआ है ढूंढिये यहाँ तो आपको वहाँ मैच करना है तो आपको इस प्रकार से अगर आपको लिखना नहीं है, आता है पड्डा धीरे धीरे आपको आ जाएगा तो आपको इस प्रकार से मैच करना तो बच्चों आता है ना कैसे आपको ये प्रैक्टिस करनी है इस प्रकार से तो आपको अब गिनती समझ में आ गई ना एक से दस तक की गिनती हमने सीखी अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे गुड बाय बच्चो